इंदौर में माफिया जीतू सोनी के साथी नरेंद्र रघुवंशी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता की तबीयत खराब होने को लेकर नरेंद्र पैरोल पर था, नरेंद्र पेरोल पर था, आज उसकी पेरोल खत्म हो रही थी। नरेंद्र रघुवंशी के बेटे लक्ष्य रघुवंशी ने कहा, पुलिस ने बेवजह उनके पिता को मरहूम केस में जीतू सोनी के साथ आरोपी बनाया था, इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। इन्हीं कारणों से वो मानसिक रूप से परेशान हो गए थे और आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने उठा लिया था। क्या नाम है के संचालक के साथ में इनका भी नाम था? गलत, सब गलत जो रहा है उनके साथ, उनका कुछ लेना देना इनसे? कुछ भी लेना देना नहीं, सिर्फ नौकरी करते थे। नौकरी भी नहीं करते थे, मतलब जान पहचान दोस्त थे, जान पहचान। किन से जान पहचान थी वहाँ पर? उनका भी जानते थे बस, दोस्त थे। बता रहे मैनेजर थे वहाँ में? नहीं, मैनेजर नहीं। पर केस दर्ज हुआ था इन पर? केस इन पर फेक केस दर्ज हुआ। और कब से जेल में बंद थे ये? 9 महीने, अभी 2 महीने। पेरोल पर कब आए थे? कितने दिन पहले? 2 महीने पहले। नरेंद्र पिता रामदयाल रघुवंशी उम्र 58 साल निवासी 200 सेक्टर ही सुदामा नगर इंदौर। थाने पर सूचना मिली थी जिसमें मर्ग कायम किया गया है।